हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे पीएन जंक्शन। जैसा कि सेमीकंडक्टर की बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, बैंड थ्योरी क्या होती है, दूसरा एन टाइप पी टाइप सारा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होते हैं, बायसिंग के पहले पहले की सारी बातें आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पी एन जंक्शन क्या पढ़ना है हमें? पी एन जंक्शन पढ़ना है, बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं पी एन जंक्शन। देखो पी एन जंक्शन क्या है, जंक्शन वर्ड सुना है बचपन में? हिंदी में तुम लोगों ने संधि विच्छेद पढ़े होंगे, जैसे विद्या प्लस आलय, क्या पढ़ते इसको, विद्यालय, है ना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये शब्द मिल के बन गया। तो जंक्शन का मतलब तुम समझ गए, जहां पे दो चीजें मिलती हैं, हिंदी में उसको संधि बोलते हैं, मीन जहां पे चीज मिल रही है। तो अगर मैं पी एन जंक्शन को डेफिनेशन के तौर पे लाऊं तो एक पी टाइप क्रिस्टल, ये हो गया पी टाइप क्रिस्टल, इसको बोल दो पी टाइप, और एक एन टाइप क्रिस्टल। इन दोनों क्रिस्टल्स को आपस में मिला दो तो इनके बीच ही कोई ना कोई बाउंड्री आएगी। ये चीज जो पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को आपस में मिला देते हैं तो इनके बीच की जो बाउंड्री आती है उस बाउंड्री को बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये बन गया आपका पीएन जंक्शन, खत्म खेल। इसे तो डेफिनेशन पढ़नी नहीं, इसे कहेंगे पीएन जंक्शन। क्यों लिखो जब आपको लिखा पड़ा है? तो पीएन जंक्शन आपने क्या पढ़ा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया तो इनके बीच की जो बाउंड्री आ गई उसको हमने बोल दिया पीएन जंक्शन। क्लियर? अच्छा, इसको कैसे जोड़ते हैं तुम्हें तो पता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी इस पर अप्लाई कर दो, मीन ऊपर को हाई रिएक्टिव बना दो और ज्वाइन कर दो। जो अरेंजमेंट बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? पीएन जंक्शन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, जैसा कि मैं अर्लियर क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं कि पी टाइप में कौन होते हैं, होल्स होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स, और एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप जानते हो, पी टाइप में होल होते हैं और एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले चलो डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये बातें अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये देखो, ये हो गया पी टाइप क्रिस्टल, ये हो गया एन टाइप क्रिस्टल। इसके पास कौन थे? होल्स थे, बना दिए मैंने होल्स। इसके पास कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने, कहानी समझना। अब ये जंक्शन है तो यार ऐसे समझो कोई बॉर्डर है दो स्टेट का, दो कंट्रीज का, तो बॉर्डर के आसपास वाले हैं। मान लो ये इलाका बॉर्डर के आसपास का है, जंक्शन के इतनी दूर में क्या हो सकता है कि एन टाइप के पास होल जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। पी टाइप के पास कौन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बिल्कुल जा सकता है। या हमारे पास तो होल्स तो ऑलरेडी थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही थे ना, यहाँ होल्स थे। अच्छा, तो हुआ क्या होगा, क्या मैं कह दूं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चला जाएगा? नहीं जा पाएगा, बाउंड्री के आसपास ही तो रह जाएगा। तो जब बाउंड्री के आसपास रह जाएगा तो ये होल और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डिफ्यूज हो जाएंगे आपस में। तो जब ये आपस में डिफ्यूज हो गए तो हम इनको ऐसे ना शो करके, हम इनको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहाँ निगेटिव चार्ज दिखा दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा। देखो बात वही है, तो जंक्शन के दोनों ओर का वो एरिया जितनी दूरी तक अपोजिट चार्ज कैरियर्स आर फ्री टू डिफ्लेक्ट। ये देखो, इतनी दूर तक मान लो अपोजिट चार्ज कैरियर चल रहा है, मीन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और एन टाइप में होल्स चल रहे हैं,
उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ये चीज क्या कहलाएगी? डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। अच्छा, ये तो रही एक बेसिक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन वन रही। मान लो मैं आपसे पूछता हूं डेफिनेशन टू क्या रही होगी। यहां माइनस पल आया होगा, इलेक्ट्रॉन चल के आया होगा, होल बैठा था डिफ्यूज। यहाँ होल आया होगा, इलेक्ट्रॉन था डिफ्यूज। क्या यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर है? तो जंक्शन के दोनों ओर का वो एरिया जहां तक कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, उस एरिया को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब डिप्लीशन लेयर के अंदर जब चार्ज पार्टिकल डिफ्यूज हुए थे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, चार्ज पार्टिकल डिफ्यूज हो गए। अब चार्ज पार्टिकल डिफ्यूज हो गए तो कोई ना कोई पोटेंशियल बनाएगा, तो जो पोटेंशियल बनाया उस पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये जर्मेनियम के लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होता है, सिलिकन के लिए 0.3 वोल्ट के आसपास होता है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। तो बाकी बात करते हैं, जंक्शन के अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को आप क्या कहते हो बेटा? पोटेंशियल बैरियर। ये क्या करता है? अप्लाइड पोटेंशियल को अपोज करता है। हिंदी में ऐसे समझ लो, कहीं पे 10 मान लो 15 जने रह रहे हैं एक ही कम्युनिटी के, और वहां पे दो आ गए बिल्कुल नई कम्युनिटी के। जब वो दूसरे रिलीजन या दूसरी कम्युनिटी के दो लोग आ गए तो आपस में बात क्या करेंगे पता है? यार हम दोनों ना मिलके रहते हैं, हिम्मत नहीं है कोई दूसरा आके मार जाए। तो पोटेंशियल बैरियर वही है, अपोजिट चार्ज कैरियर पहुंचा, उसने डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, थोड़ी बहुत ताकत उनके अंदर आ गई। वो ताकत क्या करेगी? अप्लाइड पोटेंशियल को अपोज करेगी। ठीक, तो आपको पीएन जंक्शन समझ में आ गया, डिप्लीशन रीजन समझ में आ गए, पोटेंशियल बैरियर समझ में आ गया। पीएन जंक्शन का सिंबल होता है ये, ऐसे ये होता है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। ये पी टाइप बना दिया आपने और ये एन टाइप बना दिया, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो कहीं पे भी अगर डायोड वर्ड लिखा है, डायोड तो आप समझ जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड है, और पीएन जंक्शन का सिंबल आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, डायोड मतलब डायोड जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं उसको आप डायोड कहते हो। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया? पीएन जंक्शन पढ़ लिया, डिप्लीशन रीजन पढ़ ली, पोटेंशियल बैरियर पढ़ लिया। अब डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, चौड़ाई, किस बात पर डिपेंड करेगी? मेरे हिसाब से दो तरीके से, कि बैटरी आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो और आपने डोपिंग कितनी कराई है, मीन टाइप ऑफ बायसिंग और एक्सटेंट ऑफ डोपिंग, इन दो पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिपेंड करती है। तो आपने आज छोटी छोटी तीन डेफिनेशन पढ़ी, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होते हैं, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। अच्छे से पढ़ लेना, आगे समझने में ये बहुत काम आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।